हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। शबाना किचन में आपका इस्तकबाल है। कैसे हो आप सब? तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर और आलू की सब्जी। ये जो मटर मैंने लिए है और ये आलू लिया है, एक ही आलू है, ये छोटे छोटे दो आलू लिए मैंने। तो ये मटर और आलू की सब्जी बनाने जा रही हूँ मैं आज। तो फिर देखो, मैंने आज इसके लिए मैं क्या करती हूँ, जैसे मेरे को टाइम नहीं रहता है, मैं ट्यूशन वगैरह लेती हूँ ना, अभी बार बार बताने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं ट्यूशन लेती हूँ ना, तो मैं ना ये जो नारियल है वो किस के रखती हूँ, उसको भून वगैरह के रखती हूँ मैं, और ये प्याज भी तल कर रखती हूँ, क्योंकि फटाफट ले लूँ सब्जी बना लूँ हो गया काम। मुझे कैसे टाइम नहीं रहता है ना, इसके लिए मुझे फटाफट करना पड़ता है। तो मैं ये प्याज भी तल के रखती हूँ। उसके लिए फिर अभी मैंने 2 चम्मच नारियल लिया है किसा हुआ। देखो फ्रेंड्स, ये 2 चम्मच नारियल और 1 बड़ी प्याज तल कर लिए, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर लिया है और इसको चॉप करके रखा है, मटर भी मैंने छील के रखे हैं, आलू भी मैंने मतलब छील वगैरह करके रखे। देखो अभी मैंने मिक्सर में ये कर लिया, अभी देखो मैंने इसमें तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। देखो गाइस, अभी मैंने तेल रख लिया है गरम करने के लिए। अभी मैं इसमें तलने जा रही हूँ आलू। देखिए, आलू अगर हम तल के लेते हैं तो क्या होता है, जल्दी से गल जाते हैं, आलू जल्दी से पक जाते हैं अगर तेल में तला हुआ हो तो, क्योंकि हम उबालते नहीं है, बॉईल करके नहीं लेते हैं, तेल में तला हुआ तो जल्दी से फटाफट तेल में बॉईल हो जाता है। और उसके साथ आज मैं बनाने जा रही हूँ हरी मिर्च, जो बड़ी बड़ी हरी मिर्च होती है तो मैं आज बनाने जा रही हूँ। तो मैं हरी मिर्च को मैंने बीच में से इसे कट करके रखा है। देखो ऐसे ऐसे बीच में से चीर के रखा है इसको, ऐसे चीरना चाहिए इसको, हल्का सा चीरना चाहिए, ऐसे करके ऐसे चीरना चाहिए। क्योंकि तो मैं अभी क्या मसाला भरने वाली हूँ, ठीक है, इसको बड़ी मिर्ची बोलती है, तलने वाली मिर्ची, तीखी नहीं होती। अगर आपको बीज निकलना चाहिए तो बीज निकाल सकते हैं। अभी मैंने इसमें आलू डाले हैं, तल रहे हैं, जब तक मैं आपको मिर्ची का बता रही हूँ, क्योंकि मैंने तैयार करके रखा है। देखो इसमें मैंने कट मार के रखा है। अब इसके लिए मैंने क्या लिया है, आप ये मिर्ची भी तल के देखना एक बार, ठीक है। तो देखो उसके लिए थोड़ी हल्दी ली है मैंने, जीरा पाउडर लिया है, धनिया पाउडर लिया है, मिर्ची पाउडर लिया है, अमचूर लिया है और जीरा पाउडर पीसा हुआ। अभी स्वाद अनुसार आप नमक ले लीजिए आपके, ठीक है, आपको जितना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ मैंने कौन से स्पून से लिया है। देखो इससे लिया है, क्योंकि आमचूर भी खट्टा होता है ना, तो नमक थोड़ा ही लेना चाहिए, ओके, नहीं तो खारी बन जाएंगी वो। और इसमें जो मसाला बच जाएगा तो हम वो चने के आटे में मिक्स करेंगे, ठीक है भाई। देखो अभी मैंने ना इसमें आलू डाले थे, आलू में मैं डाल रही हूँ मटर। अभी मटर में देना ऐसे रख देना चाहिए फटाफट, और कच्चा मटर डालते ना तो उड़ने लग जाता है, इसलिए मैंने फौरन काट के उसको डाला। अब जो मैंने आपको बताया मैंने मसाला पीस के रखा था, ठीक है, ये मसाला भी मैं इसमें छोड़ दे रही हूँ मटर के लिए, ठीक है। आलू भी थोड़े से पक गए हैं तो मैं इसमें मसाला जो मैंने पीस के रखा था वो छोड़ दूँ, ठीक है। ये फटाफट बता देंगे, क्योंकि मैं ना मेरे को टाइम नहीं रहता है, इसके लिए मैं ऐसे तैयार करके रखती हूँ। अगर आपको भी टाइम नहीं है तो आप भी समय की बचत करने के लिए फटाफट कर सकते हो, आपके कितने भी गेस्ट आने दीजिए, आप फटाफट ऐसे तल के रख दीजिए प्याज वगैरह, हम लोग इसको लिस्टा बोलते हैं, प्याज तल के रखना उसको भी लिस्टा बोलते हैं। आप बताइए मालूम, लेकिन जो प्याज तल के रखते हैं ना तो उसको भी लिस्टा बताया जाता है, हम लोग भी लिस्टा बोलते हैं। देखो हमारे जो मसाले का डब्बा है तो देखो इसमें मैं मिर्ची पाउडर डाल दूँ 2 चम्मच, हल्दी डाल दी हूँ 1/2 चम्मच, गरम मसाला डाल दी हूँ 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर डाल दी हूँ 1/2 चम्मच। अब इस सबको मैं अच्छे से भूनने वाली हूँ, ठीक है, ठीक है गाइस। देखिए ये फटाफट सब्जी बन जाती है, आलू मटर की सब्जी, मैं अपने स्टाइल में बता रही हूँ आपको, देखिए गाइस। और उसमें थोड़ा सा आपको चाहिए होगा तो कस्तूरी मेथी, मैं हर सब्जी में यूज़ करती हूँ, क्योंकि उससे टेस्ट अच्छा आता है कस्तूरी मेथी से। कस्तूरी मेथी हमेशा घर में रखना चाहिए, दालचीनी में डालते हैं, सब्जी में डालते हैं तो अच्छा लगता है। अगर हमारे पास हरा धनिया नहीं है तो कस्तूरी मेथी उसका काम कर लेती है, जैसे कोथमीर नहीं है, कोथमीर हरा धनिया उसको ही बोलते हैं, तो वो नहीं होती है ना तो कस्तूरी मेथी उसका काम कर लेती है, हरा धनिया जैसे दिखता है फिर उसमें, ठीक है गाइस।
ये मैंने बना लिया आलू मटर की सब्जी, ठीक है। देखिए अब इसके साथ में मिर्ची भी आपको बतानी होगी, मिर्ची कैसे तली जाती है। देखो अभी ये मसाला भून रहा है, अच्छे से भुना गया है। अब इसे मैं डालने लगी पानी, अपने हिसाब से डालिए। आपको कितना ग्रेवी चाहिए, कितना कम चाहिए, कितना ज़्यादा चाहिए, मैं तो कम ही ग्रेवी बनाती हूँ, जो मुझे ज़्यादा पतला पतला नहीं अच्छा लगता, ज़्यादा पानी वाला ग्रेवी रखती हूँ, लेकिन हल्की सी मीडियम, मज़ा आना चाहिए। और जब तक मेरे को सालन में तरी नहीं आती ना, तो मुझे मज़ा नहीं आता। मैंने आपको पिछले बार भी बोला था सालन में नमक कम हो जाए तो क्या करना चाहिए, मैं आपको लास्ट में बताती हूँ, आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखना, मैं आपको बताती हूँ कि ग्रेवी में अगर नमक ज़्यादा पड़ जाए तो क्या है। कोई भी सब्जी उसमें अगर नमक ज़्यादा पड़ता है तो क्या करना चाहिए, शबाना किचन से मैं आपको बता दूँ, ठीक है। देखो ये बन गई मटर की सब्जी, कितने देर लगी, 5 मिनट भी नहीं लगी। तो ऐसे सब मसाले आप तैयार करके रखो और सब्जी बना लो, ठीक है। एकदम मस्त फटाफट सब्जी, फटाफट खाना बनाती हूँ, फटाफट काम करती हूँ, फटाफट ट्यूशन लेती हूँ, फटाफट स्कूल चलाती हूँ। देखिए गाइस, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये सब कुछ करना पड़ता है। पापी पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है, इसके लिए मैं सब करती हूँ, ठीक है। अब इसमें मटर और वो पकने शुरू हो जाएंगे। अभी देखिए गाइस, मैंने आपको बता के रखा था कि मैंने ये जो मिर्ची है ना, मिर्ची के लिए मैंने जो मसाले तैयार किए, देखिए ये मसाले तैयार किए। अब मैं इस मसाले को इसमें डालने वाली हूँ, ठीक है। देखिए मसाले हैं, अभी मैं इसको नमक अपने हिसाब से, अभी इसको मिक्स कर दीजिए। अमचूर जितना है मैंने आपको बताया उतना ही डालना चाहिए, छोटा चम्मच। तो ये भी मैं अमचूर इसमें मिक्स कर दूँ। इसको सबको मिक्स करके आपको इस मिर्ची में अच्छे से भरना है, ठीक है, अच्छे से भरना है। ओके गाइस, देखिए अभी मैं ऐसे सब मिर्ची में भरने वाली हूँ। ऐसे गैस नज़दीक है ना, इसके लिए फटाफट एक साथ काम करने की आदत हो गई है ना, तो फिर टाइम नहीं रहता है, तो इसलिए मुझे अलग से मैं टेबल बनाऊँ उसके ऊपर बताऊँ, इतना टाइम नहीं रहता ना गाइस, क्या करेंगे, अकेली रहती हूँ, सब अकेले अकेले करना पड़ता है। अभी मैंने कई यूट्यूबर का देखा है कि वो सब तैयार करके रखते हैं उसके बाद सब बताते हैं, लेकिन मैं भी अभी वैसे भी करूँगी, ठीक है। तो मैंने आज वैसे ही किया, सब तैयार करके रख रही हूँ, लेकिन मेरा मोबाइल थोड़ा काम नहीं कर रहा। मैं जितने भी अभी बना रही हूँ वीडियो आराम से आ जाएंगे आपको। देखो मसाले जो बचे हुए मैं इसमें डाल रही हूँ, जो है ना मैंने आटा लिया है काला मसाला, इसका चने का आटा, इसमें मैं डाल दूँ, ठीक है। अब इसको ना अच्छे से घोल बनाना है हमको, ठीक भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, आराम आराम से डालें, इसके लम्स निकल जाने चाहिए, ठीक है। देखिए गाइस, अभी मैंने कढ़ाई में तेल रखा है, इधर सब्जी बन रही है, इधर कढ़ाई में तेल रखा है, अभी मैं मिर्ची तलने के लिए देना। तो आप मिर्ची को ऐसे ऐसे कर दीजिए, आपके हाथ भी खराब नहीं होंगे और सब सही से मसाला जो आटा है चने का आटा वो लग जाएगा और ज़्यादा हाथ भी खराब नहीं होंगे, ठीक है। मसाला ये जो घोल बनाया है हमने वो अच्छे से लगना चाहिए, ठीक है। देखो ये ऐसे से घोल लगाना चाहिए और ऐसे मिर्ची को डाल दो। देखिए गाइस, अपना किचन में जो अच्छा लगता है वो देखिए गाइस, मैं अपने वीडियो अच्छे अच्छे डाल रही हूँ, आप पसंद कीजिए, ट्राई कीजिए, खाइए, बनाइए, फटाफट देखिए, सीखिए। जो जॉब वाली लेडीज है उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि भाई ऐसे करना चाहिए, फटाफट करना चाहिए। और ये मिर्ची ना खाने में बहुत अच्छी लगती है, खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। हाथ भी नहीं खराब होते हमारे, स्पून की मदद से, और जो आटा रहता है वो लग जाता है, बाकी का निकल जाता है, ठीक है गाइस। देखिए गाइस, अभी ये फ्राई होने के बाद कैसे होगी, ये थोड़ी बड़ी थी, ये जरा शर्मा रही थी, कह रही थी मैं ससुराल में भी जाऊंगी, इसलिए मैंने इसको आधा बीच में से ही कट कर दिया, मुझे मैंने बोला जाना पड़ेगा,
कैसे नहीं जाएगी, वो तेल छोड़ रही थी, ज़्यादा बड़ी हो गई थी, इसलिए मैंने उसको कट कर लिया था। जैसे नई बीवन शर्माती है ना, मैं ससुराल में नहीं जाऊंगी, वैसे ये भी मेरी मिर्ची भी शर्मा रही थी कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। मैंने बोला जाना तो पड़ेगा, मैं वीडियो निकाल रही हूँ, तुझे जाना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको बीच में से ही कट कर लिया। मेरी कैसी मिर्ची चली जाएगी, इसको बोलते हम पकौड़ा वाली मिर्ची। इसमें बरसात के मौसम में इसमें बहुत अच्छी लगती है मिर्ची, और एक सब्जी हो एक मिर्ची हो मज़ा आ जाता है। आज सैटरडे है, मेरे को हॉलीडे रहता है, लेकिन जैसे नर्सरी नहीं होती है, ट्यूशन होती है, ट्यूशन के लिए बच्चे दोपहर में आते हैं, इसलिए आराम से भी आपको वीडियो निकाल के बता दूँ। सिंपल सा सब्जी अगर आप उसको बनाएंगे खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा, पकौड़े वाली सब्जी। ठीक है, देखिए मिर्ची फूल गई, जो बोल रही थी ना मैं ससुराल नहीं जाऊँगी, तो अभी फूल गाल फुला के बैठ गई है, कहने मैं अभी बाहर भी नहीं आऊँगी, तो मैं तो इसको लेके ही आऊँगी, चलो जाना ही पड़ेगा आपको, बाहर भी आना पड़ेगा। देखो आपकी फ्रेंड्स कितनी अच्छे से बैठी है, चलो 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 आराम से आराम से। देखिए तो तू क्यों मुँह फुला के बैठी है, देखो ये वाली मुँह फुला के बैठी है और ये गोल मटोल हो गई इसकी है ना। आधी आधी फ्रेंड्स देखिए गाइस, तैयार हो गई मेरी फटाफट डिश, मटर आलू मटर की सब्जी, उसमें स्वीट भी है चपाती भी है, सिर्फ मैंने राइस नहीं बनाया, और ये पकौड़े वाली मिर्ची। तो मेरी डिश कैसे लगी आपको, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और शबन आंटी के यहाँ पे खाने के लिए जल्दी जल्दी आ जाना फटाफट। देखिए गाइस कैसे लग रहा है, जैसे तरी वाला सालन जब हम खाए ना तो मज़ा आ जाता है, मज़ा मस्त मस्त, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त। अरे वाह वाह वाह, देखिए गाइस लाइफ एंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय करो, लाइफ एंजॉय करो, मस्त मस्त खाओ, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए जियो। ओके अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, शबाना आंटी को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। खुदा हाफिज़।